नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग 16 मई की ग्रह स्थिति देखते हैं। सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वहां पहले से बुध और वक्री शुक्र बैठे हैं राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में, शनि बृहस्पति दोनों वक्री होकर के मकर राशि में, चंद्रमा और मंगल कुंभ राशि में बैठे। ग्रहों की स्थिति, जो सूर्य मेष राशि में उच्च के चल रहे थे वह उच्च के नहीं रहे, खराब स्थिति में नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक पहले से खराब स्थिति में कहा जाएगा वृषभ राशि में, और वहां पे बुध के साथ बैठ के बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, शुक्र वक्री है वहां, तो शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है, बृहस्पति और शनि की स्थिति ठीक नहीं है, कुल मिलाकर के अभी हमारे जनमानस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बहुत बच के पार करना पड़ेगा, बहुत ध्यान पूर्वक चलना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़े ग्रह जो हैं शनि और बृहस्पति ये दोनों वक्री हैं, और शुक्र जो मनोरंजन का, व्यवसाय का, ग्लैमर का, पति पत्नी के संबंधों का जो ग्रह है वो भी वक्री चल रहा है। तो कुल मिलाकर के बहुत बच के पार करिए, अभी ये समय और आने वाला समय भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि, शासन सत्ता पक्ष का सहयोग होगा, सरकारी नौकरी के चांसेस बनेंगे, राज सत्ता पक्ष के करीब जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, प्रेम से धन की प्राप्ति, संतान से धन की प्राप्ति, स्वास्थ्य में सुधार, व्यापार में सुधार और प्रेम की स्थिति भी अच्छी है। कुल मिलाकर के अच्छा है, किसी भी तरह की कोई जोखिम वाली बात या दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई पड़ रही, फिर भी कोई रिस्क मत लीजिएगा। लाल वस्तु पास रखें, सूर्य को जल देना ना भूलें। वृषभ राशि की स्थिति, अब जो एक राज सत्ता पक्ष से आपको जोखिम भरा समय मिल रहा था उससे आप उभर चुके हैं और स्वयं आप एक रौब और रुआब में आ चुके हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, इसमें शारीरिक तापमान बढ़ सकता है, मतलब बुखार वगैरह की शिकायत हो सकती है, तो थोड़ा सा सावधानी जरूर रखिए। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम अच्छा है और व्यापारिक दृष्टिकोण से पहले से आप बेहतर चल रहे हैं। सूर्य को जल दें, ताम्र पात्र का दान करें। मिथुन राशि, शासन सत्ता पक्ष का असहयोग दिख रहा है, सरकारी गाज गिर सकती है, किसी भी तरीके की कोई जोखिम मत लीजिएगा, शारीरिक मानसिक आर्थिक कोई जोखिम लेने लायक नहीं है, बहुत बच के पार करें। सूर्य को जल दीजिए और ताम्रपात्र दान करें। कर्क राशि की स्थिति अच्छी नहीं है, चोट चपेट लग सकता है, अचानक परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती है, तबीयत खराब हो सकती है, प्रेम की स्थिति खराब, स्वास्थ्य की स्थिति खराब और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी मध्यम समय, हनुमान चालीसा का पाठ करें अच्छा होगा। सिंह राशि, जीवन साथी के सहयोग से कुछ काम बनेगा, शारीरिक स्थिति अच्छी, व्यापारिक स्थिति कुछ अच्छा हो सकता है और प्रेम की स्थिति अभी अच्छी नहीं है, बहुत बच के पार करें। सूर्य को जल दें, पीली वस्तु पास रखें। कन्या राशि, थोड़े डिस्टर्ब सा फील करेंगे, स्वास्थ्य से भी, शत्रुओं अपोजिटर से भी, लेकिन कुछ कोई कर नहीं पाएगा, आप ठीक हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम मध्यम, व्यापार भी एक तरीके से मध्यम कहा जाएगा। हरी वस्तु पास रखें और शनि देव की आराधना करें। तुला राशि की स्थिति, अभी बहुत डिस्टर्ब सा रहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही। शासन सत्ता पक्ष का साथ मिलेगा लेकिन कुछ नुकसान के भी चांसेस हैं, तो थोड़ा बच के पार करिए। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम मध्यम, व्यापार भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा, शनिदेव की आराधना करना आपके लिए अच्छा होगा और नीली वस्तु पास रखें। वृश्चिक राशि के लिए आप भूम भवन वाहन की खरीदारी पे बहुत विचार करके आगे बढ़िएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। घर में कलह के संकेत है, थोड़ा बच के पार करें,
लाल वस्तु पास रखें और नीली वस्तु का दान करें। स्वास्थ्य मध्यम है, व्यापार मध्यम है और प्रेम की स्थिति भी बहुत मध्यम है। बच के बात करें। धनुराशि, धनुराशि की शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं दिख रही, प्रेम की स्थिति थोड़ी बेटर कही जाएगी और व्यापारिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा बच के पार करिए। मध्यम समय भी चल रहा है, मतलब आपके लिए जो 5 नवंबर से पहले की स्थिति थी वो वाली स्थिति दिखाई पड़ रही है, बहुत बच के पार करिएगा। लाल वस्तु पास रखें, भगवान विष्णु का मानसिक रूप से प्रणाम करें, अच्छा। मकर राशि, मकर राशि की स्थिति, धनागमन होता रहेगा, कुटुंबों में वृद्धि संभव है, कम बोलिएगा, सोच के बोलिएगा तो अच्छा होगा। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम मध्यम, व्यापार मध्यम, लाल वस्तु का दान करें, अच्छा होगा। कुंभ राशि, लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य प्रेम मध्यम है, व्यापार की स्थिति अच्छी है, लाल वस्तु दान करें, बजरंग बली को मानसिक रूप से प्रणाम करें। मीन राशि, अभी परिस्थितियां प्रतिकूल है, खर्चे हो सकते हैं, मन अकारण चिंतित रहेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ चिंता का कारण हो सकता है, प्रेम में दूरी रहेगी, स्वास्थ्य भी मध्यम है, आज बस पार कर लीजिए। भगवान विष्णु को मानसिक रूप से प्रणाम करें, अच्छा होगा। नमस्कार।